गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो पता है, मैंने 2-3 दिन से अपने माइंड में पहले से ही सोच रखा था कि मैं अपने ना लिविंग रूम की नहीं पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। क्योंकि इस बार ना मैंने दिवाली की जो सफाई थी ना, वो बहुत पहले कर ली थी, सितंबर में ही ख़त्म कर ली थी, क्योंकि मुझे अक्टूबर में निकलना था बाहर और फिर वहाँ से आने के बाद तुरंत दिवाली आ गई थी, तो ऐसे टाइम नहीं मिल पाया। तो इस 1-1.5 महीने के अंदर ना फिर से गंदगी जो है चिपक गई है, खासतौर से ये सोफे तो बहुत ही जल्दी गंद होते हैं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से डस्ट जो है सोफे के ऊपर चिपक जाती है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते भी कि आप ये सोफे कैसे क्लीन करते हो। तो मैं अपने सोफे को क्लीन करने के लिए ना इस टाइप का जो ये पेडल ब्रश है ना, इसे यूज करती हूँ। इससे मैंने ऐसे किया कि झाड़ लिया इस तरीके से, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे थ्रो डाला हुआ है जिससे कि ज्यादा डस्ट इकट्ठी ना हो, इस वजह से भी थ्रो डाला हुआ है। थ्रो को क्या है ना, मैं मशीन में सर्फ डाल के धो देती हूँ और फिर से ये क्लीन हो जाता है तो साफ लगती है जगह। तो मैं इस तरीके से ऐसे झाड़ती थी और आप देख सकते हो कि धूल निकल रही है, लेकिन अगेन धूल जो है चिपक भी रही है। ये देखिए कितनी धूल है। आप कोई कह सकता है सोफे पे इतनी धूल होगी, जबकि हम लोग इतना सफाई करते हैं। फिर मैं क्या करती थी कि इस टाइप का जो कॉटन का कपड़ा नहीं होता है, इसको गीला करके देन इससे मैं इस तरीके से साफ कर लेती थी। लेकिन फिर भी जो सोफे के अंदर जो डस्ट इकट्ठी होती है वो इन दोनों चीज़ों से निकल नहीं पाती, तो ये दोनों चीज़ें भी मिलकर सोफे को डीप क्लीन नहीं कर पा रही थी। और हमेशा से ना मुझे अपने घर में वैक्यूम क्लीनर की कमी लगती थी। एक हैंडी वैक्यूम क्लीनर होना तो आप सोफे अच्छे से क्लीन कर सकते हो, वो डीपली क्लीन कर लेते, सारी डस्ट उसमें आ जाती है, और मेरे पास कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं था। इनफैक्ट पता है, मेरा मन भी करता है विंटर में मैं कारपेट डाल के रखूँ, लेकिन मफिन है हमारे घर में और उसके बाल झड़ते हैं, और बालों को ना इस तरीके से आप ब्रश वगैरह की हेल्प से नहीं निकाल सकते, तो वो वैक्यूम क्लीनर होता है तो अच्छे से आप क्लीन कर लेते हो पूरे कारपेट को। इसी वजह से मैंने एक नया वैक्यूम क्लीनर मंगाया है, जो कि है अगारो का स्टिक वैक्यूम क्लीनर, और इसका मॉडल है सुप्रीम। और ये जो है ना वैक्यूम क्लीनर काफ़ी हैंडी है, आप इसे सोफे वगैरह, कारपेट है, आपके कर्टेंस हैं, ये तो क्लीन कर ही सकते हो। प्लस जो कार की सीट्स होती हैं वो भी बहुत गंदी हो जाती है ना यूज़ करने के बाद, तो उन्हें भी आप आराम से क्लीन कर सकते हो। बहुत सारे चीज़ों में ये काम कर जाएगा, बहुत हैंडी टैंडी सा है, हल्का है। तो चलिए अगारो के इस रिचार्जेबल हैंडी स्टिक वैक्यूम क्लीनर की अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। इस प्रोडक्ट की 1 साल की वारंटी भी मिलती है। इसमें आपको एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर मिलता है। इसमें एक मोटराइज्ड ब्रश भी मिलता है, जिसका हेड 270 डिग्री तक घूमकर अच्छी तरह से सफाई करने में आपकी हेल्प करता है। इस रोलर को इजीली रिमूव करके आप क्लीन भी कर सकते हो। इसमें एक क्रेविस नोजल और एक 2-in-1 ब्रसल ब्रश भी मिलता है, और एक मैट्रेस ब्रश जो कि सोफा और मैट्रेस क्लीन करने में आपकी हेल्प करेगा। इसमें एक स्पेयर स्पंज फिल्टर, वॉल ब्रैकेट और चार्ज करने के लिए एडेप्टर भी मिलता है। इसकी 400 वाट की ब्रशलेस डीसी मोटर 25 kPa की सक्शन पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसमें 2000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी है, जो कि लो, मीडियम और हाई 3 मोड में काम कर सकती है। तो अभी मैं इसके अंदर अटैच कर चुकी हूँ मैट्रेस ब्रश, और इससे मैं क्लीन करने वाली हूँ सोफा। आप इससे चाहो तो मैट्रेस भी क्लीन कर सकते हो। तो इसको ऑन करते हैं एंड देन क्लीन करके देखते हैं कितनी डस्ट निकलती है। वैसे आप देखोगे तो ये देखो, ऐसे ऐसे उड़ रही है डस्ट। वैसे ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है, और यहाँ से इसकी पावर आप एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने इसे ऑन कर दिया, और पावर मुझे अगर घटानी बढ़ानी है तो मैं इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। इस तरीके से आप इसको हाई, लो, मीडियम कर सकते हो। तो अभी मैंने इसमें अटैच कर लिए क्रेविस नोजल, और इससे हम लोग क्लीन करने वाले हैं ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये जहाँ पर हमारा हाथ भी नहीं पहुँच पाता और कुछ भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। ये जो जगह होती है ना, यहाँ पर अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, कॉर्नर्स में सफाई नहीं हो पाती, तो इन सब को साफ करने के लिए ये नोजल सबसे बेस्ट रहती है। तो देखिए गाइस, कितनी सारी डस्ट इसमें कलेक्ट हो गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सोफे में इतनी डस्ट थी, जबकि मैं तो बहुत क्लीन रखती हूँ। तो मैं अभी ना ये वाला एरिया क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कारपेट बिछाने वाली हूँ। तो मैंने लगाया इसमें मोटराइज्ड ब्रश, जो कि इस तरीके से
ये देखिए इसमें लाइट भी जल रही है, और आप इसे नीचे भी, सोफे के नीचे भी अगर जगह है तो आराम से ये जा रहा है, क्योंकि हमने इसके साथ एक लंबी स्टिक अटैच कर ली है, तो ये कॉर्नर्स में और सोफे के नीचे अंदर सब जगह जा रहा है। इस वैक्यूम क्लीनर को 5 घंटे में आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। इसका मोटराइज्ड मल्टी फ्लोर ब्रश हार्ड फ्लोर या फिर कारपेट पर अच्छी तरह से अंदर तक की घुसी हुई जो डस्ट रह जाती है ना, जो हाथों से क्लीन नहीं हो पाती, उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। अभी मैंने इसके अंदर ना ब्रिसल ब्रश लगा लिया है और अब इससे मैं कर्टेन क्लीन करने वाली हूँ। अच्छा, कर्टेन इतने हाइट पर होते हैं हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो ये स्टिक ना इस चीज में आपकी हेल्प करेगी। तो आप देखो कितना ऊपर तक मेरा हाथ जा पा रहा है। इतनी सारी डस्ट निकली है गाइस, बहुत ज्यादा डस्ट निकली है। कारपेट तो मैंने अभी क्लीन करा ही नहीं है, अगर वो क्लीन करूंगी तो फिर और भी ज्यादा निकलेगी। तो इस अगारो के स्टिक वैक्यूम क्लीनर ने ना कमाल की परफॉर्मेंस दी है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आया। वैसे इस जैसे वैक्यूम क्लीनर मार्केट में और भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर प्राइस वाइज कंपेयर किया जाए ना तो काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गया है मुझे ये। आप भी जानना चाहते होगे कि मैंने ये कहाँ से परचेज किया, तो इसका जो लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए चेक करिए अगर आपको भी हैंडी वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत है तो। अच्छा है, लाइट वेट भी है, आप आराम से क्लीन कर लोगे, हस्बैंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।